लातेहार जिला के आंतरिक सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ की 214वीं बटालियन के द्वारा सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के तहत लातेहार जिला के गारू प्रखंड के अति संवेदनशील प्रभावित गांव डोमा खाड़ पहुंची और नागरिक सहायता कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण कार्य एवं भोजन कराया। इस अवसर पर द्वितीय कमान अधिकारी निशांत मिश्रा ने बताया कि सीआरपीएफ हमेशा सामाजिक दायित्व का निर्वाह करती है। आगे कहा कि गांव के लोगों के बीच सीआरपीएफ दुख सुख का साथी है और गांव को विकसित करना और लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना सीआरपीएफ का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर मुखिया तारा मुनि सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधि एवं सीआरपीएफ के जवान उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम ग्रामीणों के बीच में उनके साथ हमारा बेहतर सामंजस्य हो एवं उनके कोई भी सुख दुख में हम उनके भागीदार हैं। और यह जो सीएपी का प्रोग्राम हो रहा है हमारे 214 बटालियन के कमांडेंट श्री ऋषि राज सहाय के कुशल मार्गदर्शन में इस सीएपी को हम आयोजित कर रहे हैं। यहाँ पर सर क्या क्या वितरण किया जा रहा है ग्रामीणों के बीच? यहाँ पर ग्रामीणों के बीच जो भी दैनिक उपयोग की महत्वपूर्ण वस्तुएँ हैं जैसे कम्बल, रेडियो, भगुना, कराही इत्यादि का हम वितरण कर रहे हैं। कितने संख्या में सर ग्रामीण पहुँचे हैं यहाँ पर? ग्रामीणों की संख्या जो है जितने भी हमारे ईओआर में जो भी गांव हैं जैसे बंदुआ, डोमाखार, चौराहा, लाय और अन्य गांवों से एवं दूर दराज के भी जो गांव के इलाके हैं वहां के भी लोग यहां पर आकर के इसका बेहतर जो है लाभ उठा रहे हैं। सर जो लोग काफ़ी सुदूरवर्ती क्षेत्र से आए उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको हम यह मैसेज देना चाहेंगे कि सीआरपीएफ जो है वो यहाँ पर तैनात है आप सभी की सुरक्षा के लिए एवं यहाँ के विकास के लिए।